तो हम लोग शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है? चलिए म्यूजिक वन, अब बाकी लोग ताली बजाएं, 1 2 3 स्टार्ट। दिखाना पहले आगे आओ। सवाल भाई के लिए है, क्यों ढोको शादी करते हैं? क्योंकि पैसा। क्योंकि पैसा बचता है। भाई के लिए होना चाहिए। किसी के पास कोई जवाब है? कोई जवाब देंगे? सही है। लड़की लोग बोल रही नहीं है, लड़का लोग इसलिए हाँ बोल रहे क्योंकि पैसा बचता है। तो आप बैठ जाइए, जरूर आपका जवाब बड़ा मजेदार है लेकिन जवाब अच्छा नहीं है। कोई बताएंगे सही जवाब? लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं इसीलिए। दिस इज गुड आंसर, वेरी गुड। ताली बजा देंगे, जाके अपने से पेन ले लो, तुम्हारा हार्दिक एक ठोले की ना। चलिए पढ़ाई लिखाई में संभले, इसलिए पेन रखे। मैं बता रहा हूँ, इसको यहाँ रखो। ठीक है ना? पेट और पीठ हो लेना, उसको पीछे छोड़ो। हाँ, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जो गिर जाएगा रास्ता में चलते चलते, तो उसके पीछे वाले लोग हट जाएंगे ना, सिर्फ उसके आगे वाले लोग रन करेंगे। ठीक है ना? हाँ, देखना जज लोग सुनिएगा, अगर मान लिया यहाँ बैलून हट गया तो इधर वाले लोग वापस शरीर में बैठते जाएंगे। सवाल है यहाँ किसका में था? सोनू। हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि क्योंकि हमको गंदा रहना पसंद नहीं, इसलिए हमको साफ सुथर रहना चाहिए। इसीलिए साफ सुथर रहना चाहिए, इसीलिए नहाते हैं। बहुत सुंदर जवाब, इसको गंदा रहना पसंद नहीं है। अपने से कोई अच्छा सा पेन ले लो। ठीक, याद रखिए आपका मोबाइल कौन सा है, वो मोबाइल का नाम साथ ही साथ में आपका जो टाइटल है ना, सरनेम, उसको लिखिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मजा आएगा देखने के लिए। वापस वहाँ है जहाँ से शुरुआत किए थे, जहाँ से शुरुआत की तो वहाँ जाना है। वापस आना है जहाँ से शुरू किए थे, और वैसे ही खड़ा रहना है, वैसे ही खड़ा रहना है, वैसे ही खड़ा रहो, वैसे वही रहो, वही रहो। बाकी लोग मत रहो, जो लोग बैलून लेके आए वही लोग, बाकी लोग बैठ जाओ। जो लोग बैलून लेके आए हो वही लोग खड़े रहो अपने टीम के साथ में, बाकी लोग बैठ जाओ। चलो वापस आओ, वापस आओ।
जो लोग आउट हुए बैठ जाओ, आउट हुए वाले किनारे हो जाओ, आउट वाले किनारे, आउट हो गए वाले किनारे हो जाओ। तो जज देखिए, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी आराम से, आराम से। रोहित रोशन कोई जी, रोहित रोहित बोलिए। इसका सवाल है, पवित्र शादी क्यों करना चाहिए? ये भैया आप जवाब दे। हाँ? नहीं पता, टुकू वाला तो पता है, कोई वाला नहीं पता। चलिए वो अमेरिका आजा, दौड़ के आजा। तो जिसको पता नहीं रहेगा तो जो जवाब देने का जो मौका दे रहे हैं तो उसमें सबको ही के लिए ना, मम्मी पापा लोग के लिए आप लोग ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को चुने रहते हैं इसी के लिए। हाँ, परमेश्वर चुने होते हैं शादी के लिए, शादी के लिए, इसीलिए पवित्र शादी होना चाहिए ना। बहुत सुंदर जवाब ना, जैसे आदमन आदम के लिए हवा को चुना वैसे परमेश्वर हमारे लिए चुनता है। आ जाओ अपने हिसाब से कोई अच्छा सा पेन लेके चले जाओ, ठीक है ना, इधर डब्बा वाला मत लेना बस इधर। चलिए अमृता के लिए जोरदार तालियां। चलिए 3-2-1 स्टार्ट। धीरे धीरे है ना, ये बैलून को कितना ज्यादा कौन लेके आता है, देखिए जज लोग, देखिए जज लोग, देखिए अपना अपना ग्रुप को, जो छुआ बैलून गिरा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, आदर्श हाथ नीचे है, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जज लोग देखिएगा, ताली बजा दीजिए आप लोग, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, सिटी बजा दीजिए उनके लिए, नहीं सिटी नहीं बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, जोर से चिल्ला दीजिए, चिल्लाइए, चिल्लाइए इनके लिए। ओ रे रोगी, बस धीरे धीरे जा रही है, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, आराम से जाओ, जाओ जितना जल्दी साइड से यही जीतेगा आज का इनाम, हो जाएगा सबको जीत करके हरा करके बाजीगर बन जाएगा। तो देखते हैं, आराम से जाइए, है ना, जितना ज्यादा जो बैलून लेके आएगा, लेकिन बहुत लेट भी नहीं करना है ना, ज्यादा लेट करेंगे तो हम आपको भूल जाएंगे कि आप कहाँ पे हैं। तो जज लोग ध्यान देंगे, जज लोग देखो देखो देखो, अनमोल बस जा रही है, देखो देखो देखो, बैलून गिरने वाला है, गिरा 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 गिरा, बैलून गिरा। चलो 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 चलो, मेरे लिए ब्रो बैलून वापस लेके आ सकता है, जीत सकते हो ब्रो, जीत गए जीत गए, आराम से चला। निहार बैलून गिरा, निहार बैलून गिरा, निहार बैलून गिरा, का बैलून नहीं था, बैलून कहाँ है? जीत गए ब्रो, जीत गए, धीरे और थोड़ा, और थोड़ा, जीत गए, जीत गए। नाइस ब्रो, नाइस, लड़कियों का, लड़कों लोग का इज्जत बचा दिया। लैट्रिन करने के बाद क्यों अच्छा लगता है? चला दीपिका, कि बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बाइबल हमारे लिए जीवन की रोटी है, इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन के लिए पढ़ना। क्या ये सही जवाब है? सही जवाब है, इसको पेन दे दे, हम पेन देते हैं, आप ताली बजाइए, ले लीजिए दीपिका, बहुत सुंदर जवाब, गॉड ब्लेस यू, चलिए आगे बजाइए म्यूजिक। पकड़ो, 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 पकड़ो। इसका सवाल है,
पैर में लोला क्यों नहीं पहनते? नहीं, ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल बनाने वाले लोग ऐसे नहीं है। चले, इसका सवाल है, सुबह सुबह प्रार्थना करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम लोग को रात के समय में परमेश्वर हम लोग को सहायता करते हैं, इसलिए सुबह हम उनको उठ के धन्यवाद देते हैं। क्या ये सही जवाब है? हाँ, सही जवाब है गाड़ी वाले भैया, सही जवाब है। चलिए, आपके कहने पे मैं इनको ताली बजाइए इनके लिए, और ये भी सुंदर सकते हैं, बहुत सुंदर जवाब। म्यूजिक प्रतीक प्रतीक आदर्श 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 ठीक है, तो आदर्श का सवाल अब इधर आइए ना, आपका जवाब में चेहरा देखना चाहिए। इसका सवाल है कि लोग दारू पी के क्यों गिरते हैं, बताइए। पानी चाहिए। दारू पी के क्यों गिरते हैं? दारू पी के लोग क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि दारू पीने से वायलेंस हो जाता है। मैंने नशा करने से जो हमारा दिमागी हालत हो जाता है ना, वो थोड़ा भटक जाता है, तो थोड़ा बाप बाप जैसे लगता है, तो थोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो ये जाते हैं, बैलेंस खराब हो जाता है। सही जवाब है, सही जवाब है। जाइए एक पेन उठा लीजिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कार्य ठुला है, कैसे नाव ठुले गए, क्यों, क्या दिक्कत हुआ, टीम में क्या प्रॉब्लम है? टीम कॉम्बिनेशन कम पड़ गया, टीम में कॉम्बिनेशन कम पड़ गया ना, तालमेल नहीं रहा है ना, तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। कहना निकुन तालमेल होना बहुत जरूरी है, मंडली में युवा संघ पीड़ित से महिला संघ, और तालमेल नहीं रहा तो निकलेंगे तो नौ जन, लेकिन लौटेंगे सिर्फ चार जन, ठीक है ना। अब आप लोग भी चले जाएंगे। तो वही वाला बात है, जो क्यों शादी क्यों करते, तो पैसा बचाने की वाला है। अब वापस आ जाइए, लेते हैं क्या बात। आप लोग सबसे कम लाए हैं, एक ही चलाए हैं, ठीक है ना, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या चीज दिक्कत हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गया? अगुआ वाला आगे चला गया, पीछे वाला पीछे रह गया। अगुआ वाला आगे चला गया, कभी कभी ऐसे ही होता है ना, बाइबल क्लास जाना होता है, अगुआ पहले चला जाता है, पीछे वाला। रेनु बड़ा अटपटा है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। लैट्रिन करने के बाद क्यों अच्छा लगता है? कि किसी को मदद के लिए बुलाते हैं, किसको बुलाएंगे आप, बोले आपका कौन फ्रेंड है जो आपका मदद करेगा? चलो संध्या, चलो संध्या जवाब देने बुला रही है फ्रेंड, चलो संध्या के लिए ताली। चले और कौन जवाब देंगे? सोनाली आ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, सोनाली के लिए ताली एक बार, सोनाली आ जाओ। क्योंकि पेट में जितना भी गंदगी वो निकल जाता है। वेरी गुड, इसे अच्छा लगता है। बोला कौन गंदा के साथ रहना चाहे, ये लीजिए आपके लिए। चल आगे, किसका में आया, क्या नाम है? शीला भी।
हाँ, इसका सवाल है कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं। माइक दीजिए इसको। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम लोग जितना परमेश्वर को जाने हैं उससे ज्यादा जानने के लिए और अपना जीवन अच्छा होगा इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सही जवाब है, सही जवाब है। कितने लोग सहमत है? सही जवाब है। हाँ तो ठीक है, बताइए। टूटा फूटा है और बेटर हो सकता है। और बेटर हो सकता है क्या? आप प्रार्थना करते हैं ना, क्यों करते हैं? और एक बार जवाब दीजिए। क्योंकि आप, मैं अपने जीवन को और अच्छा देखना चाहती हूँ इसलिए, और इस दुनिया में आई हूँ और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब है। और जवाब नहीं, और जवाब ही है, धन्यवाद। तो ये लोग हैं इस कंपटीशन के विनर, इनके लिए हो जाए जोरदार ताली, क्योंकि इसने मार ली है बाजी। सुनिएगा ध्यान। ये गेम में हम लोग को ये शिक्षा मिला कि मोटा होना जरूरी है। मोटा होना जरूरी है। हम तो आउट हो गए गेम से क्योंकि इस गेम से ये शिक्षा मिला कि जैसे कि यीशु के चेले लोग थे, अगर उनमें मुसीबत आया तो वो लोग मतलब यीशु को इनकार कर दिए, तो उसी तरह हम लोग तो उसी तरह हम लोग को सुजीत के लिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहिए, जवाब दो। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सही समय, सही वक्त देगा, इसलिए देगा, जीवन साथी देगा, ये बोलना चाह रहा है। सही जवाब। हम आधा मदद की भी हम देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर सुनीत का के ताली। गेम तो बहुत अच्छा था और हम लोग को यहाँ सीखने का बहुत मिला, बहुत पिटबुल दिए। हम तो ये सीखे कि अगुआ हम लोग का ठीक था, लेकिन अगुआ का बस काम नहीं है, उसके साथ साथ उसका जो पीछे पीछे थे वो लोग भी अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीम नहीं जीतेगा। जैसे हम लोग का अगुआ हम लोग को जैसे रास्ता बताते जाते हैं, वैसे भी वही रास्ता में हम लोग अगर चलते जाएंगे तो मकसद को जरूर एक दिन पाएंगे। यही सीखा हम पा लिए। जोरदार ताली इनके लिए। अरे पेन लेके आओ वहां पर। लड़का लोग क्यों लड़कियों को देखकर शर्माते हैं? जवाब दीजिए। कि किसी को मदद के लिए बुलाएगी? किसको? किसको बुलाएगी मदद के लिए? खाना बन गया। कौन आएगा जवाब देने? कौन जवाब देगा? तो ठीक है, एक तो आदमी है यहाँ पर जो कंपटीशन में नहीं बैठा है, उसको मौका देते हैं ना, और उसका नाम है सावन। बैठो सर। हेलो, देखो शर्मा रहा है ना, चलो जवाब दे, फिर शर्माते हो। क्योंकि क्योंकि सर गलत हो सकता है, गलत, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। एक बार क्वेश्चन कीजिए सर। लड़का लोग लड़कियों को देखकर क्यों शर्माते हैं? ऐसा है कि लड़की लोग हर चीज का ज्यादा ही कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि पेन हो तो हर चीज में आगे रहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, इसलिए लड़का लोग शर्माते होंगे। अच्छा, आप शर्माते हैं? हाँ, तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। लड़का लोग सहमत है? कितने लोग सहमत है? एक बार इनके ताली बजा दीजिए। ये लीजिए, नहीं ये लीजिए आपके लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अब आप नहीं शर्माइएगा।
आप नहीं शरमाइएगा, अब आप जीत गए ना, अब आप नहीं शरमाइए। आइए अब लास्ट राउंड, ठीक है? एक बार म्यूजिक बताओ तुम लोग किसके पास है, तुम दोनों नहीं बताएगा, ये लोग बताएगा किसके पास है। हाँ उसके पास था। रेडी हो तो तैयार हो, थाली बजाओ इसके लिए। पहली बार लड़का रेडी है, इसका स्वभाव है, लड़की लोग सुनिएगा बहन लोग, लड़की लोग मतलब बहन लोग क्यों मेकअप करते हैं? क्योंकि सुंदर दिखने के लिए, मतलब खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत रहते हैं। चलिए और ये रहे हमारे पेरी सचिव, अपने 32 दांतों को दिखाते हुए बड़े जोर से रुकता, पूरा नहीं देना है, किक तो देना है, मदद करो, किक तो निकाल के मदद करो। चलिए ताली बजाते जाइए, फोटो लेते जाइए, ताली ताली ताली, फोटो फोटो फोटो, ताली बजाओ, ताली 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 ताली, जोरदार ताली। किसके हाथ में रहा सोने की चमड़ी चिड़िया, किसके हाथ में रहा? अरे वाह मनीषा, तो इनको मिला है गिरजा, क्या मिला है? अब इस वर्ड से ये कौन सा गाना जानते हैं वो गाएंगे। हम लोग 10 तक गिनेंगे ना, नहीं तो फेल हो जाएगी। वो फेल नहीं होगी। दो गिरजा जाके डहारे साल तेरे नसा 15 रुपए ला। बहुत सुंदर, एक ही लाइन गाना है, एक ही लाइन। स्टार्ट म्यूजिक, सब लोग को मामा बालक सब दाजा आए। इसका है यीशु मसीह, यीशु ईसु, ईसु कहने से ईसु नहीं मिलेगा, हाँ पैरो उसकी बचान में सदा, चलने से ईसु मिलेगा। जोरदार तालियां, ये लीजिए आप पेन लेके जाइए ईसु सहाय। चलिए म्यूजिक पास पास, रोशन म्यूजिक पास 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 पास। उधर जीवन पव के लगी ने तुई मुके चुना ले, उधर जीवन पव के लगी तुई मुके चुना ले, तुई मुके अपना बना ले रे प्रभु यीशु, तोरे बिना जीना है बेकार, प्रभु यीशु तोरे बिना जीना है बेकार। बहुत सुंदर, ये लीजिए, धन्यवाद। चले म्यूजिक खराब है, कंप्लेन मत, ठीक है? तो प्रार्थना का जीवन हरि सुंदर लागेला, प्रार्थना का जीवन हरि सुंदर लागेला, यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागे। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर गीत गाए, उसके लिए आपको सुंदर सा पेन, जोरदार तालियां। अरुण भैया क्या स्वर्ग है, तो हम लोग इनके लिए भी काउंट करेंगे। स्वर्ग राज में सोना के घर, जब जा भोले के लाए, जब जा भोले के लाए। बहुत धन्यवाद, स्वर्ग से भी अच्छा आप गाए। कौन है? चलो युवा युवा समय गड़बड़िया बहुत ज्यादा हड़बड़िया हो गई। युवा युवा पीढ़ी संभल जाओ, यीशु का है हमें पुकार।
के लिए जोरदार तालियां। आप पढ़ाई लिखाई में संभले इसलिए पेन रखे। चलिए कोई बात नहीं, मेरा भी तो हुआ है। तो अभी हम लोग का एंडिंग समय हो चुका है, शाम हो रहा है और मेरे को एक तो दूसरा भी काम है तो मैं उधर भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ कि जो सर हमेशा वो सपोर्ट किए हैं और कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उस माहौल में चार चांद लग जाता है। चार चांद बोले तो आप लोग को पता चल गया होगा कि चार चांद ये किसने माहौल बनाया है। तो मैं उनसे एक बार फीडबैक तो जरूर लूँगा। ये प्रोग्राम हम तो पहली बार ऐसा देखे और हम लोग का डुड़का बार में भी ऐसा प्रोग्राम हुआ तो कभी नहीं हुआ था ना, इसलिए कैसा होगा कैसा नहीं, लफड़ा होगा, बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मज़ा आया ऊपर से। तो मैं थोड़ा सा नीलेश सर जो है ना तो उससे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा। नीलेश सर थोड़ा सा बिजी है बट फिर भी हाँ, तो सर फ्री हो गए हैं, चलिए बात करते हैं। सर सर इशू सहाय। ओ सब कोई कोई इशू सहाय। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम हुआ, ठीक है मैं तो बंद किया है, आज का प्रोग्राम जो हुआ वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर कुछ चीज मिस हुआ है तो मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आप अपने तरफ से फीडबैक और कैसा होना चाहिए था कैसा हुआ, आप छोटी मोटी बात जो भी है आप थोड़ा सा बताइए सर। सबों को इशू सहाय, लगातार कार्यक्रम की वजह से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को सावन पूछा जवाब देना चाहूंगा। मैं सभी वॉलंटियर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सभी वॉलंटियर बहुत ही अच्छा काम किए। कई ऐसे वॉलंटियर हैं जिनको तो स्टेज देखने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी वे काम करते रहे। कई लोगों को तो लास्ट में नाचने भी नहीं मौका मिला, यस यस, लेकिन फिर भी वे आनंद बहुत खुश हैं वो लोग काम करके, और वे खुश इसलिए हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए किया है, ये कार्यक्रम प्रभु का कार्यक्रम था और उन्होंने प्रभु के लिए किया है। और मैं सभी युवाओं का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों ने जो काम किया है उस काम का आशीष या प्रतिफल परमेश्वर आप लोगों को जरूर देगा अपने जीवन में। इसी के साथ मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि ये जो युवा समय जोश ताकत उत्साह से भरा हुआ रहता है, तो इस युवा समय को हम किसी लड़की या लड़के के चक्कर में नहीं, या दारू हड़ी दारू के चक्कर में नहीं, मूवी देखने या गलत दोस्तों के चक्कर में, लेकिन ईशु के लिए हम करें अपना जवानी समय को, ईशु के लिए हम बिताएं। तो वही वाली बात है ना, जब दांत झड़ जाएगा अंधरा हो जाएंगे तो फिर बोलेंगे अरे हम तो मेरा मन ही नहीं लगता, इसलिए अभी समय है, अभी मौका है हम जीवन को सुधारें और ईशु के लिए अपना जीवन को सौंपे और अपनी कलीसिया को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सावंत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं आप, प्रभु आपको भी आशीष दे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ का माहौल को दिखा देता हूँ, जो जो लोग खाना वाना खा रहे हैं उसका, और बाकी नीलेश सर को देख के बहुत एक्टिव हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे उसका बात में, तो पूरा ऊर्जा आ जाता है। ट्रांसफार्मर जैसे काम करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर से जैसे करंट आता है ना सेम टू सेम। ओके चल बताओ कैसे लग रहा है इसका प्रोग्राम, यानी कि इन्हें देखे या मैंने बहुत है, लगभग 6-7 हज़ार बने आए हैं, तो मन के कहा कहें चाहिए इसका। तो कहबो खुश तो लगा थे जे कटे अंधार हो गेला, दुख है कि तने टाइम से हमें खियाक नहीं पड़ले, नहीं चलेगा आज जैसे जैसे हमारे जिंदगी में जो घटा थे नहीं शायद ही और कहीं घटी से, लेकिन सब के हमें एडजस्ट सब चीज के हमें एक्सेप्ट करते चल। हाँ बहुत अच्छा दिन रहे, बाकी ओके। हाँ जी हाँ जी, तो चल ठीक है, चलिए तो मैं मिलना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक टू टास्क देना चाहूंगा आप लोगों को, जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि मैं टास्क ये रहा कि गाइस याद रखिए आपका मोबाइल कौन सा है, वो मोबाइल का नाम, साथ ही साथ में आपका जो टाइटल है ना सरनेम उसको लिखिएगा, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में, मजा आएगा देखने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल मेरा मोबाइल का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24 और मेरा टाइटल है सावन इक्का है ना, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 इक्का। तो अभी एग्जांपल आपका मोबाइल का नाम क्या है? ओप्पो। ओप्पो, और तुम्हारा टाइटल क्या है? बारला। बारला, तो आप लोग को क्या है कि जैसे कि आदर्श लिखेगा ओप्पो बारला, ठीक है, समझ गया गाइस। तो उस प्रकार आप लोग को कमेंट में ढेर सारा लिखना, बिल्कुल मिस मत करना। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, काम पे व्यस्त रहे, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आप लोग के जैसा। सो फाइनल थैंक यू, बाय बाय।